उसने माशाल्लाह आते एक हफ्ते के अंदर वो पांच अंडे दी और पांचों बच्चे निकाल दिए, बढ़ते गए बढ़ते गए माशाल्लाह। जी जितने भी मेरे पास लगे हैं ये सारे समझ लीजिए उस एक पैर की औलाद है। तो व्यूअर्स, हम दानियाल भाई के दूसरे सेटअप में आ चुके हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए जब ये और डिमांड होता है ना गर्मियों में तो ये 25,000 तक की जा रही है। लौकी है, गाजर है, मटर है, पालक है, मेथी है और गंदम और जो इन दो का दलिया है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे एक सवाल करते रहते हैं कि हम कॉलोनी लगाएं या सेपरेशन करें, क्या करें, तो इनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो अर्थ ये है कि इसमें जिसको जो सेट हो जाए बस उसी में सफर शुरू हो जाए। हाँ, यानी कि दोनों आप लगा लें। हाँ, दोनों लगा लें। पांच पेयर आप, पांच पेयर यानी कि केज वाइज लगा लें और जो है ना 10 पेयर की कॉलोनी लगा लें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड्स ब्रीड राइड। मैं हूँ फहीम। दोस्तों आज मौजूद है दानियाल भाई के सेटअप पे। माशाल्लाह से दानियाल भाई का सेटअप लगा हुआ है, फिंचेस, जावा एंड मच मोर। आज आप लोगों को इंशाल्लाह दानियाल भाई के सेटअप का विजिट करवाएंगे। इन्होंने हमें इन्विटेशन दिया अपने सेटअप पे, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चले हम आपको इनका सेटअप विजिट करवाते हैं कि क्या है इनके पास, क्या इन्होंने लगाया हुआ, किस तरह लगाया हुआ। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। दानियाल भाई कैसे हैं? खैरियत से। आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने सेटअप पे इनवाइट किया। नहीं नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है। इतना टाइम किसके पास होता है कि किसी के लिए वो निकाल कर आता। नहीं नहीं, आ गए, यही बड़ी बात। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस आ गए, बस आपने बुला लिया, आपकी मोहब्बत है, बहुत बड़ी बात है। तो चलें लोगों को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या कुछ आपने रखा हुआ है। देखिए, मैंने जो बेसिकली जैसे अर्ज किया कि मैंने एक शौकिया तौर पर एक पेयर लेकर आया था फिश का, सही जमाने में कि जब ये 200 से 250 रुपए का पेयर होता था। सही है। उसने माशाल्लाह आते एक हफ्ते के अंदर वो पांच अंडे दिए और पांचों बच्चे निकाल दिए, बढ़ते गए बढ़ते गए माशाल्लाह। अभी जितने भी मेरे पास लगे हैं ये सारे समझ लीजिए उस एक पेयर की औलाद है ये सारे, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें काफ़ी बेच चुका हूँ और वक्तन फवक्तन मैं देता रहता हूँ, कभी जाल वालों को, कभी सोशल मीडिया के रेफरेंस से आदत है। फिर इसी से अभी थोड़ी सी तरक्की होती गई कि मैंने कुछ जावा लगा ली, फिर मैंने थोड़ी सी टब बढ़ा ली, लव बर्ड के मैंने पेयर लगा ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन 6 पेयर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर रहे हैं। अब आगे चल के मैंने थोड़ा सा जावा को बढ़ाना है, फोन जावा की भी मेरे पास पेयर हैं और फाइट डफ ये भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। पिंचेज अब मेरा इरादा है कि थोड़ी सी कम करके इन बड़े बर्ड्स की तरफ। ठीक है, अल्लाह ताला बरकत दे आपके सेटअप में। आमीन। और भाई अब आपको दिखाता हूँ, ये हमारे यहाँ से शुरू करते हैं। असल में बात जो जावा लगी हुई है ये जिससे मैंने लिए थे 10 पेयर लिए थे पट्टे, उसने कहा था ये स्प्लिट है फ़ोन के। अब ये कि फ़ोन तो अभी तक बच्चे नहीं आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर और वाइट बच्चे की इनका सेकेंड क्लास चल रहा है, सिल्वर और वाइट बच्चे मेरे पास आए। इसके जो सबसे नीचे वाला पेयर है इसमें 3 बच्चे निकले हुए, एक बच्चा जो है वो मैंने फ़ोन का, मेरे पास एक पेयर है उसका मैंने फोस्टर किया हुआ, लेकिन अभी माशाल्लाह इसके बच्चे बाहर आ गए और माशाल्लाह इसने अंडे भी दोबारा ले कर दिए हैं। इसी तरह ये वाला पेयर है, इसके भी माशाल्लाह 3 बच्चे आ गए हैं, इसने भी दोबारा से एक लिंक कर दी है। इसी तरह ये वाला जो पेयर है मेरा, इसमें माशाल्लाह 2 फ़ोन के बच्चे हैं और 3 ग्रे के बच्चे हैं। ये हाँ, ये नहीं, ये फ़ोन मैंने पोस्टर किए हैं, अभी तक इनके अपने नहीं निकले। ये 5 पट्टे हैं अपने घर के जो पिछले बर्तन पे बच गए, बाकी मैंने सेल आउट कर दिए, उसमें मैंने 4 बच्चे फोन किए। ये सेल आउट है, ये मैंने दे दिए, यहाँ ये मैं बेच चुका। अच्छा, ये बेच चुके हैं जी, मैं दे चुका, ये आजकल मैं ले जाए। बाकी इसमें भी सब फाइट किए हैं। ये मेरा हुआ ये था कि मैंने एक शुरू में एक पेयर लगाया ब्लैक मास्केट के साथ, मैंने अल्बाइनो की फीमेल लगाई लेकिन वो स्प्लिट थे जैसे मैंने आपको बताया भी था। फिर मुझे एक मेल मिल गया लेकिन वो पट्टा था। अभी 3-4 महीने मैंने मेल को रोक कर अब मैंने पेयर तोड़ कर ये लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये गालिबन इसने एक ले कर दिया, इसे शायद बाहर नहीं है, फीमेल अंदर है, इसमें नेस्टिंग आ गई है, फीमेल देखे वो बाहर आ गई है, लोड है वो।
शायद अभी आजकल में टैग लेट करे चले वो तो अभी वो देखो वो सामने बैठी हुई है। हाँ लोड हो रही है बिल्कुल, वो लोड है बस, वो स्प्लिट है, दुआ करें अल्बाइनो निकला इंशाल्लाह। ये पेयर है इसके भी बच्चे में, ये फिंच का है इसके भी बच्चे निकले अल्हम्दुलिल्लाह। सब में ही बॉक्सेस में अंडे बच्चे हैं, ये जितने भी हैं सारे माशाल्लाह मेरे पास ही ब्रीडर हैं। ठीक है, इसके भी बच्चे मैंने निकाल दिया गालिबन, इसमें भी एक बच्चे नहीं आई। इसी तरह ये इसके अंदर बच्चे हैं, बच्चे हैं। ये जावा का पेयर है, इसके अंदर भी बच्चे हैं, ये भी जावा का 5 बच्चे इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है माशाल्लाह। इसके एक लेग आ गई है और अंदर अभी 4 बच्चे इसके अंदर है। वो एक हफ्ते के अंदर मैं सेल्फ अलग करूँगा। इसमें भी दोबारा अंडे दे दिए हैं और बच्चा इसके अंदर भी है, इसमें भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं अंदर इसके, और इसने भी लेइंग कर दी है। आप फ्लैश ऑन करें, इसके भी माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। ये वाइट का पेयर है और इसकी भी लेइंग आ गई। ये ऊपर मेरे पास इसका पेंगुइन का पेयर है, इसके साथ मैंने स्नो वाइट की फीमेल रखी हुई, इसके एग्स आए हैं। अगर आप ऊपर निकाल के दिखाऊँ नहीं निकलेगा, नहीं जबरदस्त। अच्छा ये माशाल्लाह से आपने बनाया हुआ भी इस तरह की, अगर कोई पेयर निकल भी जाते हैं तो इधर ही है, कहीं नहीं जाएगा अपने पास। मास्टर गेज का होना ज़रूरी है। इसके माशाल्लाह 5 बच्चे निकले हैं, जबरदस्त। एक बच्चा बाहर एक ऊपर बैठ गया, दो तीन सही। इसी तरह इसके भी तकरीबन 3-4 बच्चे हैं, बाकी फीमेल इसके अंदर है, एग लेइंग की भी होगी। इसके अंदर मेरे ख्याल में अभी अंडा है नहीं, फीमेल लोड है ये रिफीमेल नहीं, अंडे हैं 2 हैं। अच्छा अंडे हैं माशाल्लाह। ये बच्चे बाहर आते हैं अभी, हाँ। खराब ही रहे होते हैं इनके पेरेंट्स और माशाल्लाह लेइंग किया। इसी तरह इसके भी तकरीबन 6 बच्चे हैं, और इसमें भी ये कोई मसला नहीं आ जाएगी। ये भाई निकल गई फीमेल पकड़ ली। इसी तरह ये मैंने पट्टे लिए थे इसाबेल के, मुझे म्यूटेशन का इतना वो नहीं है तजुर्बा। इसाबेल के हाँ, ये इसमें से फिर इसने लिंक किया। जबरदस्त, कहाँ इसका पेयर? ये पेयर है इसका, ये असल में इतने फास्ट होते हैं ना, हाँ। कैमरा पकड़ना इसको मुश्किल है। इसी तरह इसके भी 6 बच्चे हैं और वो बच्चे अंदर हैं और अंडे भी इसने दे दिए। जबरदस्त, बच्चे अंदर ही, अभी मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। इसी तरह यहाँ शायद गालिबन लेंगे हैं बच्चे, इसके नहीं अभी अंडे शुरू किया। इसी तरह इसके 5 बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर भी अंडे आ गए। ये भी इसाबेल का पेयर है, ये इसके 3 बच्चे भी हैं और माशाल्लाह 3 अंडे भी दे दिए इसने। ये देखिए ये वन बाय वन का ये फायदा होता है। हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह होता है ये कि कभी कभार एक दो बच्चे होते हैं ना तो मैं उसको आगे पीछे उनको पूरा करता हूँ। यहाँ इसके भी 5 बच्चे हैं, इसके भी अंडे आ चुके हैं तकरीबन माशाल्लाह से। कोई भी ऐसा मुझे एक बॉक्स नहीं मिला जो खाली है, अगर खाली भी है तो उसकी फीमेल लोड है माशाल्लाह से। ये मेरे मैंने जो आपको बता रहे अल्बाइनो की जो फीमेल जो लोड है ये उसके बच्चे हैं, ये उसके साथ, ये उसके बच्चे स्नाटा के साथ लगा। ये माशाल्लाह पेयर बन गया है, इसको मैंने बॉक्स दे दिया इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है कि ये फीमेल एग पर आ रही है, बाकी इतना कुछ अंदाज़ा नहीं है। ठीक है माशाल्लाह, इसके भी बच्चे हैं बाहर कूद गए हैं 2 बच्चे, पता नहीं इसने लाइन की है कि नहीं। ठीक है हाँ माशाल्लाह इसने भी अंडे दे दिए। इसी तरह इसके शायद अभी अंडे हैं, इसके बच्चे नहीं हैं। नहीं है निकला हो तो पता नहीं। इसके भी अभी अंडे हैं, हाँ। अच्छा नेस्टिंग आप जो है इम्पोर्टेड वाली नेस्टिंग? हाँ मुझे देता, पहले मैं वो गधे वाली जो घास होती ना वो देता था, वो बहुत हार्ड होती है, परिंदा इतना एक्सेप्ट नहीं करता। ये लगाए जब से मैंने तो इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं एग्स की क्वांटिटी देख रहे हैं आप माशाल्लाह से। बच्चे भी निकले हैं, बच्चे भी बाहर हैं। जबरदस्त,
ये मेरा पेंगुइन का पेयर। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि फहीम भाई बताएं कंबाइन करें या फिर वन बाय वन केज लगाएं। माशाल्लाह इसकी भी लेइंग है, इसके बच्चे भी मैंने सेपरेट किए। ये C6 C3 जहाँ लिखा ना इसका मतलब है कि चेक्स इतने हैं, तो जिसको अच्छा, मैंने सर्किल कर दिया मतलब ये कि मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो मुझे पता रहता है कि भाई किसके कितने। ये माशाल्लाह इसकी लेंगे और बच्चे 6 इसके अंदर ही हैं, अभी सर्किल नहीं बना हुआ तो अभी मैंने बच्चे अलग नहीं, अभी ये तकरीबन अलग करने काबिल हो गए। ये अभी इसका पेयर इसके भी लेंगे, इसके माशाल्लाह अभी मैंने बच्चे 5 हटाए हैं और माशाल्लाह इसके अभी दोबारा बच्चे आ चुके हैं। दोबारा क्योंकि ये बच्चे पालने के दौरान अंडे दे देते हैं, उसी में माशाल्लाह फिर दोबारा बच्चे भी आ जाते हैं। ये वाला ये खाली किया, यहाँ मैं लवबर्ड का लगाऊंगा, ये इसको मैं फॉर्म में क्योंकि ऊपर यूँ लगा दूँ क्योंकि वो नीचे से काटे ना। ठीक है, ये माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और इसमें भी माशाल्लाह लेंगे आ चुकी है। बता दूँ आपके पास इतने सारे बॉक्स है, देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपसे मैंने लिया था जैसे आपको बताया, इसके दोनों के पैर खराब है, लेकिन ये थोड़ा सा वो बस ये ये है उस्ताद आदमी, ये मुझसे एक पेयर लेके गए थे, ये देखे मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये ब्रीड करेगा, लेकिन माशाल्लाह से इसका दूसरा क्लच है, ये बता रहा है। ये बच्चे भी आ चुके हैं, ये बच्चे आए हैं और अंडा भी है। ये माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, माशाल्लाह नहीं है, तजुर्बा कार है, इनसे कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। इन दोनों के बच्चे भी मैं निकाले वाले, इसके भी अभी लेंग नहीं आएंगे, इसकी आगे भी शायद सही है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये सब जगह बच्चे हैं। इसका पेयर, ये पेयर लगा हुआ है इसके बच्चे, इसके अंडे आए। इसके साइज मुझे इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज है, आप देख के बताएं। इसका मेल गालिबन मेल लगता है जी, ये अंडर साइज, ये तकरीबन अंडर साइज में आते हैं। ये इसका फाइट वाला मेल भी इसका पड़ा है जी, ये अंडर साइज है। ये भी माशाल्लाह इसका भी बच्चा आया हुआ, अंडे आए हैं माशाल्लाह से, इसके भी बच्चे निकले हैं और शायद दोबारा लिंग नहीं अभी नहीं आए, भी बच्चे बाहर निकले हैं इसके, माशाल्लाह छोटे बच्चे आए हैं। जबरदस्त कैमरा जो है ना फिंचों को पकड़ नहीं पा रही, असल में कैमरा जो है ना फिंचों को पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि बहुत स्पीड है। इसमें भी बच्चे हैं, ये अंडे हैं गालिबन, अंडे हैं। ठीक है, ये मैंने 4 एक से मेरे इजाबेल की फिंचेस नहीं थी, फीमेल के पट्टे दिए थे उसने, लेकिन अब उसमें वो 2 फीमेल निकल गए जो मैंने लगा दिए, 2 मेल निकल गए। ठीक है, अब ये मेल मेरे पास एक्स्ट्रा है, इंशाल्लाह 2 फीमेल लेकर मैं इनको भी लगाऊंगा, ये बिल्कुल अटल तैयार है, मेरे पास पट्टे से तैयार है। इसी तरह ये 2 भी ब्लैक जैक के लाते हैं, ब्लैक ब्रेस्ट के लाते हैं, ये दो भी मेल हैं, लेकिन अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरा इरादा हो गया था कि मैं भेज दूँगा, लेकिन एक वीडियो देखी उसमें कहा गया थे ब्लैक चेक फीमेल के साथ लगा दें तो 2 भी 3 भी आ सकते हैं उनकी 3rd जनरेशन में, फिर जैसे मैंने रोक लिया बस 2 पिंच मुझे मिलेंगे ब्लैक चेक से, तो फिर मैं इनकी भी पेयर लगा दूँ। ये भी मेरे पास पट्टों से तैयार है, ये मेरे पास मेल एक्स्ट्रा है, इसके लिए मैं इंशाल्लाह फीमेल मिल के लगा दूंगा वरना या निकाल, लेकिन ये भी उन्हीं के साथ स्प्लिट का, ये जो सिल्वर और वाइट बच्चे निकाल, ये देख लीजिए आप, ये पेंगुइन का पेयर है ये, बल्कि हम यहाँ से ये पेंगुइन का पेयर है, इसमें माशाल्लाह लेंगे आइए। ठीक है, इसी तरह ये है वाइट का है, इसके भी शायद अंडे हैं, अभी बच्चे टूट गए इसके शायद, हाँ अंडे दे दिए, अंडे हैं माशाल्लाह, इसके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं इसके, सही है, इसके भी एक शायद है, इसके भी अंडे आए हैं माशाल्लाह, सही है ज़बरदस्त। ये भी इसकी नेस्टिंग हुई भी है इंशाल्लाह, ये भी पेंगुइन का पेयर है ज़बरदस्त, ये भी पेयर है, ये भी गालिबन पेंगुइन का ही है। ये जो चीज़ है ना जी, इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है जी, लोग ये चीज़ मांगते हैं, कहते हैं भाई ये वो चीज़, लेकिन जो लोग पैसे मांगते हैं ना वो पैसे नहीं देते लोग क्या कर सकते हैं, मौका ग्रे का है और ये माशाल्लाह ये भी स्प्लिट का है, इसमें वाइट बच्चे भी निकले हुए हैं। अच्छा। बड़े हैं तकरीबन, अब बच्चे इधर ले आए और इसमें वाइट भी है, इसमें सिल्वर भी निकले हुए बच्चे बड़े, वाइट और सिल्वर दोनों बच्चे। ये माशाल्लाह मेरे पास इकलौता फ़ोन का पेयर है, इसने 7 बच्चे निकाले थे, 2 मैंने आगे बढ़ा दिए, 5 बच्चे इसके अपनी मिट्टी में। ये माशाल्लाह ये भी पेयर है, इसके भी 5 बच्चे हैं,
ये मेरे पास दो मेल एक्स्ट्रा है जो मैंने मेल समझा था, लेकिन दोनों मेल निकला है। लेकिन नेस्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी, मैं समझा था ये फीमेल है, मेल फीमेल अच्छी की है, लेकिन दोनों मेल है। ठीक है, इसी तरह ये भी माशाल्लाह, ये भी ऊपर भी पेयर है, ऊपर फिंच का पेयर। हाँ, ये फिंच का पेयर माशाल्लाह से आपने वन बाय वन में बेहतरीन लगा। ये बच्चे भी हैं तीन और अंडे भी माशाल्लाह। आपके पास अलग इतनी जगह है कि आप आराम से कॉलोनियाँ बना सकते हैं। लेकिन कॉलोनी मैंने दो, लेकिन आपको मज़ा आ गया, मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, ये मज़ा आ गया। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप जो जिसके पास सेट हो जाए ना, हाँ, वो उसी से चलाए, दूसरे को देख के ना करे, मेरा तो मसला है। ये मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, इसके माशाल्लाह दो वाइट के बच्चे निकले हुए और ग्रे भी निकले हुए, इसके बच्चे बाहर आ गए माशाल्लाह, पांच बच्चे इसके माशाल्लाह, ये चार बच्चे आ गए हैं बाहर। मेल इसका पेंगुइन का, लेकिन फीमेल ऐसी मैंने छोड़ दिया और इसमें भी एग जा रहे हैं। इसी तरह माशाल्लाह इसके छः बच्चे हैं नीचे, ठीक है, एग भी आए हुए हैं। इसी तरह ये भी पेयर है, इसके भी एग्स हैं, ये भी है गालिबन, इसके बच्चे निकले हैं। हाँ, इसके भी बच्चे निकले हैं। ये भी मैंने नया पेयर डाला है, ये एक मेरा पेयर ये लगाया मैंने, ये जो इसके साथ फिशर है ना, वो फीमेल, वो अल्बाइनो स्प्लिट है ऊपर द बर्ड का, जो स्प्लिट फीमेल, हाँ, वो सिर्फ फीमेल, जो मैंने आपको लोड दिखाई है ना, ये सब उसी के बच्चे हैं। अच्छा, ये उसी के बच्चे हैं। ये मेल मैंने इसको ब्लैक आई है, लेकिन जिससे लिया वो कह रहा था स्प्लिट रेड आई है। अच्छा, स्प्लिट टू रेड आई है। इसके माशाल्लाह चार बच्चे हैं गालिबन, इसकी भी लेंगे आएगी, लेने का टाइम लगेगा। हाँ, बहुत टाइम लगता है। ये माशाल्लाह इसके भी बच्चे हैं या गालिबन अंडे हैं, इसी तरह इसकी ये बच्चे हैं, इसकी भी लेंगे है, अंडे दिए हैं इसने भी। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है गालिबन, शायद इसमें अंडे हैं, इसमें भी अंडे आ गए। माशाल्लाह से वन बाय वन केज की जो है ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये सारे देखते जाए, अभी इसमें हमारे से पांच बच्चे हैं, इसमें भी पांच बच्चे लेंगे हैं तकरीबन सबके ना, अंडे भी आ गए। इसके पट्टे निकले हुए थे पुराने जी, हाँ, ये पहले के अभी मैंने अलग नहीं किए, अभी चूँकि माँ बाप खिला रहे हैं। असल माशाल्लाह ये है कि ये बच्चे बाहर निकलते खिलाते भी हैं और माशाल्लाह अंदर अंडे भी देते। ये जो अभी मैंने आपको लोड दिखाया है, ये दो भी उसी के बच्चे, ये लास्ट टाइम मैंने पेयर तोड़ा ही उससे पहले। अब इसमें देखें, वो ब्लैक मास का है उसका ना मेल, लेकिन इसके बावजूद वो फिशरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ब्लू फिशरी का एक बच्चा निकला है। इसी वजह से मैंने ब्लू फिशरी का निकला, उसी में से निकला है। ये आपके आगे पार ब्लू के काम आएंगे ये आगे। अब पता नहीं ये क्या है, अभी तो मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने चेक किया दोनों मेल फीमेल है। अच्छा, देखो मैं चाह रहा था कि इनके आपस में पेयरिंग ना, ये क्रिस्टेड का पेयर है, ये इसके साथ पेंगुइन का मेल बेहतरीन माशाल्लाह से व्यूअर्स देखें, फीमेल के साइज फीचर्स फीमेल के बेहतरीन। ये पेंगुइन का है ये पेयर, इसमें इसके साथ स्नो वाइट की फीमेल है। इसी तरह ये मेरा लवबर्ड का पेयर है, इसकी लेंग आ चुकी है। अच्छा, ये बहुत शर्मीला पेयर है, शर्मीला पेयर है, मैं छोड़ दें ऐसा ना हो कि बस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये 2B का है, अब ये मुझे नहीं पता, ये मैंने कैसे ले लिया था माशाल्लाह, इसके भी बच्चा है बेहतरीन मेल, जबरदस्त फीमेल का भी साइज देखें अच्छा है, मेल की मार्किंग बहुत अच्छी है, इन्होंने एग्लिंग की थी। हाँ, इनका बच्चा है, अच्छा बच्चा है। इसी तरह ये भी है, इसमें भी बच्चे आ गए माशाल्लाह, इसी तरह इसमें अंडे आ गए और उसका बच्चा है, इसके भी बच्चे, इसके बच्चे नहीं, नहीं, नहीं। नीचे वाले के हैं माशाल्लाह, बच्चे नहीं हैं और लेग अभी नहीं है, नीचे वाले जो बच्चे हैं सही है, मतलब बच्चे हैं। यहाँ पर भी तीन बच्चे हैं ऊपर, अंडे भी आ गए होंगे शायद, नहीं भी छोटे बच्चे अंदर। ये इतनी छोटी सी होती है ना, इनको पकड़ने में भी डर लगता है कि इंसान। माशाल्लाह इसके छः बच्चे हैं, अभी देखिए तकरीबन ये बाहर कूद गए हैं, बाकी सारे चार ये दो बैठे हैं। इसी तरह इसकी माशाल्लाह छः बच्चे हैं और तालिबान शायद इसकी लेन भी नए भी नहीं आई, ठीक है। इसके माशाल्लाह पाँच बच्चे, ठीक है, ठीक है माशाल्लाह से। मैं तो सोच रहा था खत्म हो गए, नहीं
ये सारे माशाल्लाह ये समझ लेंगे हम और दिखा देंगे माशाल्लाह ये भी और इसमें भी लगे हुए हैं। ये भी एक पेंगुइन का पैर है, देखिए वही उसी टाइप की फीमेल है। ठीक है धनंजय भाई, और इसके अलावा अब उसके अलावा दूसरे वाले सेटअप पे है वहाँ पर डब वगैरह, दूसरे वाले सेटअप पे चलें वो दिखाते हैं। तो व्यूअर्स हम धनंजय भाई के दूसरे सेटअप में आ चुके हैं। ये वाला मैंने बेसिकली पिंचेस थी पहले, इब्तदा मैंने यहीं से की थी, तो मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दी वहाँ। अब यहाँ मेरा इरादा डब लगाने का ना, तो ये मैंने 8-10 पेयर लगाए हुए हैं, बाकी सारे केजेस मैंने अभी खाली किए हैं। यहाँ पे मैं सारी डब लगाऊँ कि यहाँ धूप ज़्यादा आती है। सही है, ज़बरदस्त। ये कुछ पैर जो पहले के लगे हुए जिनके अंडे बचे तो छोड़ दिए माशाल्लाह, 4 बच्चे इसके हैं, गेंग भी है। ठीक है, इसके मैंने अंडे आगे बढ़ा दिए माशाल्लाह, उनके बच्चे निकल गए। पाइट डब का पेयर है, ये भी नया पेयर लगाया है। सही है, इसी तरह यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं डब का, इसको भी शायद मैंने फोस्टर किए हुए। इसी तरह नीचे वाले में भी बच्चे आ गए हैं। डब मैंने सुना बड़ी स्पीड में ब्रीडिंग करते हैं। ये चूंकि धूप वाली जगह है ना तो यहाँ अच्छी है। ये मैंने पेयर लगा अभी, छलनी नहीं दी है इसको, दूंगा। अच्छा, इसको मैंने पाइट डब के अंडे दिए थे माशाल्लाह, एक बच्चा इसका निकला हुआ। सही है, यहाँ माशाल्लाह 2 पाइट डब के बच्चे निकले हुए और फीमेल अंडों पे बैठी। ये भी मैंने बच्चे इसके अलग नहीं, ये पाइट डब। ये पाइट डब इसकी क्या कीमत होगी मार्केट में? ये तकरीबन समझ नहीं चाहिए, जब ये और डिमांड होता है ना गर्मियों में तो ये 25,000 तक भी चला जाए। वैसे तो अभी इसके तकरीबन 17-18,000 रुपये रेडी। ये माशाल्लाह 2 पट्टे इसके बड़े हो गए, फिर उसका लगता है। यहाँ पर ये कॉमन डब का इसके भी बच्चे निकला हुआ है, ये भी एक पाइट का है, फीमेल अंडों पर बैठी हुई है, इसके भी बच्चे मैंने आगे किए। सही है, इसी तरह यहाँ पर ये फिंच के कुछ पेयर हैं, यहाँ माशाल्लाह इसके तकरीबन 7 बच्चे हैं। सही, ये इसके अंदर ये गालिबन ये सामने वाला है या फिर कोई दूसरा होगा। एक बच्चा मैंने वो जो आपका वाला पेयर दिखाया था ना, ठीक है, वो ऑरेंज वाला, अच्छा, उसका बच्चा मैंने, हाँ, इसके भी माशाल्लाह 7-8 बच्चे हैं। सही है, ज़बरदस्त। ये जो मैंने आपको बताया वो जो फीमेल है जो लोड है, ये भी उसका बच्चा है। अच्छा, ये मैंने फीमेल बाहर से दी हुई है माशाल्लाह, इसके 2 बच्चे आए हैं, दिखाऊं? यानी कि आपने आपके पिछले साल जो ब्रीडिंग आई होगी वो आपने सारे रोक लिए? वो रोक लिए, ये माशाल्लाह इसके 2 बच्चे निकले हुए हैं। अब वो जो असलन उसका पहला मेल था वो नीचे, ये मैंने कॉकटेल के रखा भी डालूंगा मैं। अच्छा, ये मैं असलन जो इसका मेल था वो यहाँ है, इसको मैंने दूसरी ब्लैक मास की ऊपर पटकी के ऊपर बैठा। अच्छा, ये है मेल इसका जो पीछे छुप रहा है, ये पेयर, या मैंने इसको ब्लैक मास की फीमेल दी है। सही है, ये सारे ये मैंने दे दिए हैं, ये पट्टे भी मैंने निकाले हैं, ये पट्टे सेल आउट हैं। ठीक है, ये भी है माशाल्लाह, से साइज बेहतरीन है इनका, साइज वगैरह तैयार हो चुके हैं सारे। हाँ, तकरीबन तैयार है। सही है, ज़बरदस्त। तो ये मतलब हमारे व्यूवर्स अगर आपसे रब्ता करें तो मिल जाएंगे? बिल्कुल, चलो ठीक है। इसमें यह है कि अभी सारे एक रेट के नहीं, क्योंकि इसमें पेंगुइन के लिए पट्टे में एक साथ डाल देता हूँ, जब भी थोड़े कलर साफ कर देते हैं फिर मैं अलग करता हूँ। ठीक है, जैसे कि वहाँ 2 मेल हैं, वो 2 मेल पेंगुइन के हैं, बाकी 2 कॉमन के हैं। ठीक है, इसी तरह ये 2 डब के बच्चे निकले तो मैंने अलग किए। सही है, यहाँ पर भी माशाल्लाह पेंगुइन का मेल है लेकिन कॉमन की लगी हुई छोड़, बस ये थोड़ा बहुत छोटा सा। ठीक है धनंजय भाई, बहुत मज़ा आया आपका सेटअप विज़िट करके। जिस तरह से आपका सेटअप भी बड़ा, उस तरह हमारा दिल भी बड़ा हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपके शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमें ये सेटअप विज़िट करवाया। ऐसी कोई बात नहीं है माशाल्लाह, आप टाइम निकाल कर आए तो यही बढ़िया। बस आपकी मोहब्बत है, और बाकी ये कि अच्छा 100 फुट के बारे में आप बताना चाह रहे थे कि आप क्या देखें इसमें। मैं अगर आपको नज़र आ रही है, मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, इसमें लौकी है, गाजर है, मटर है, पालक है, मेथी है, और गंदम और जौ, इन 2 का दलिया।
दलिया है? हाँ दलिया भी मैं देता हूँ। अच्छा, ये सॉफ्ट फूड देते हैं? ये दलिया मैं रात को भिगो देता हूँ, सुबह में निकाल लेता हूँ और इसमें सारी सब्जियाँ मिक्स करके डेली ये प्रैक्टिस है? ये डेली देता हूँ, बाकी इसके अलावा मोरिंगा वगैरह और बाकी मोरिंगा वगैरह भी है वो भी जैसे बीमार वगैरह हो जाते हैं कुछ। बाकी ये कि मैं कैल्शियम पी सिरप चलाता हूँ, कैल्शियम पी सिरप मैं लाजमी पानी में देता हूँ। वीटासोल मैंने अभी चलानी शुरू की तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो मैं वीटासोल भी देता हूँ हफ्ते में, ज़्यादा कुछ नहीं देता। तो बाकी एक फूड देता हूँ, एग फूड देता हूँ। बाकी ये कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अक्सर हमसे एक सवाल करते रहते हैं कि हम कॉलोनी लगाएं या सेपरेशन करें, क्या करें, तो इनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो अर्थ ये है कि इसमें जिसको जो सेट हो जाए बस उसी में सबर शुक्र। हाँ, यानी कि दोनों आप लगा लें? हाँ दोनों लगा लें। पाँच पेयर यानी कि केज वाइज लगा लें और जो है ना 10 पेयर की कॉलोनी लगा दें, ऐसा ही कर जो आपको समझ में आए। असल ये है कि सेपरेट में टाइम लगता है, आपने जितने केजेस देके रोजाना उनका पानी भी चेंज करना पानी, पड़ता है। यही बात है। दाना तो चलो मैं एक हफ्ते का देता हूँ, मैं हफ्ते में दो दफा कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, लेकिन पानी डेली देना पड़ता है उसके लिए टाइम लगता है। वो तो मैंने चलो मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे टीचिंग से ताल्लुक है, तो मैंने भांजा है वो आकर दाना पानी उनका सुबह में कर जाता है, मैंने ड्यूटी लगाई उसकी ड्यूटी। सही है, जबरदस्त। ये है कि टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहता हूँ कॉलोनी से बेहतर है आप ये कर लें, क्योंकि आप अगर जॉब लेस हैं और आपके पास जॉब नहीं और आप यही काम करना चाहते हैं तो ये कर लें, क्योंकि जहाँ 5-6 घंटे किसी के पास नौकरी करेंगे इसमें लगा देंगे, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी बन जाएगी। सही है, क्योंकि इसमें होगा सेपरेट में आप अंडे आगे पीछे कर सकते हैं, बच्चे आगे पीछे कर लेंगे तो एवरेज आपका 4-5 का आ जाएगा। सही है, ज़बरदस्त। चलें ठीक है दानियाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, जजाक अल्लाह। तो व्यूअर्स, हम दानियाल भाई का सेटअप पूरा आप लोगों को दिखा चुके हैं, तो आप लोग हमारा चैनल लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, और हमें दें इजाज़त। चलें, अल्लाह हाफिज़।